मैं ईटीवी से बोल रहा हूँ, आलोक त्रिपाठी। आपका कल सुबह बंगाल जाने का कार्यक्रम? मैं कल सुबह जाऊंगा, ममता जी जहाँ धरना पे है वही मैं कल सुबह 8 बजे 8:30 बजे जाऊंगा। ये चुनाव का समय बीजेपी पूरा ऑपोजिशन के ऊपर सीबीआई का आरोप लगाया। बीजेपी जानते हैं 2019 में चुनाव में नरेंद्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, इसीलिए ये सब साजिश करके सारे ऑपोजिशन के ऊपर सीबीआई का आरोप लगाया। और ये ममता बनर्जी का धरना, उनको मैं सपोर्ट करता हूँ, हम लोग सपोर्ट करता हूँ, मैं धरना में भी जाऊंगा कल सुबह। जी, क्या अखिलेश जी के भी जाने का वहाँ पे कोई कार्यक्रम है? नहीं, अखिलेश जी का आना कोई खबर नहीं है। जी, ये सीबीआई भी राज्यपाल से मिलने जा रही है और सुप्रीम कोर्ट में भी रात में ही वो अर्जी दायर करने वाले हैं, इस बारे में क्या कहेंगे आप? सुप्रीम कोर्ट के बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहते हूँ। मैं ये बोलना चाहते हैं, जो आज सीबीआई इतना दिन कहाँ था, ममता बनर्जी के ऊपर जो आरोप है, पुलिस कमिश्नर के ऊपर जो आरोप है, इतना दिन सीबीआई कहाँ था? अब चुनाव 1 महीना बाकी है, अभी चुनाव सीबीआई का मन में आया? ये पूरा कुछ नहीं है, पॉलिटिकल वेंडेटा है। क्या इसमें केंद्र सरकार की आप साजिश देखते हैं? अरे केंद्र सरकार क्या, वो जानते हैं नरेंद्र मोदी 2019 चुनाव में बुरी तरफ से हार जाएंगे, इसीलिए सबको डराने के लिए काम शुरू किया। वहाँ अखिलेश जी को डराने के लिए काम शुरू किया, मायावती को डराने के लिए काम शुरू किया, ममता जी को डराने के लिए काम शुरू किया। ये सब हम लोग जानते हैं, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी और कुछ नहीं। जी।